बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी विजन टीवी आपने देखा, हमारा नाम जो है वो विजन है। बेसिकली इसमें विजन कैसे है और किसी क्या इंपॉर्टेंस है, विजन होता क्या है, आप विजन से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो लोग विजन रखते हैं वो कैसे बड़े लोग होते हैं, और जो विजन नहीं रखते वो किस तरह से ऑर्डिनरी लोग रह जाते हैं, इस पर बात करते हैं। दरअसल हमारी जो आंखें हैं ना, हम समझते हैं कि हमारी आंखें देखती हैं, दरअसल आंखें नहीं देखती, आंखों के पीछे एक दिमाग है जो देखता है। आंखें बिल्कुल जो है वो एक टूल की तरह काम करती हैं। हमारा दिमाग कहता है कि ये चीज़ देखनी है, जैसे हमारा हाथ है, मैं जिस तरह से हिलाता हूँ ये हाथ हिलता है, ये दरअसल हाथ नहीं हिलता, ये मेरा दिमाग इसको ऑर्डर देता है कि ये आपने ये हाथ हिलाना, ये इस तरह हाथ बांधना है, या इस तरह से आपने बैठना है, तो ये ब्रेन सारा काम कर रहा है। इसी तरह जो हम बेसिकली देखते हैं ना, वो हम इन नज़रों से नहीं देखते ना, वो हम दिमाग से देखते हैं। आपने समझ ही आ गई, तो इसका मतलब है अगर हम दिमाग से देखना जान जाएं तो फिर हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, यानी इस दीवार के उस तरफ भी देख सकते हैं, हम आने वाले सालों को भी देख सकते हैं, आज हम ये भी देख सकते हैं कि आने वाले चीज़ों टाइम के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्या थ्रेट होगा। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा मुल्क खुदा ना खासा इसी तरह चलता रहा तो ये कहाँ पहुँचेगा। या हम ये भी विजन कर सकते हैं कि जो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस वक्त बहुत आगे हैं, तो वो क्यों हैं। हम विजन कर सकते हैं कि वो ये दीज आर द रीजंस कि वो दुनिया में आगे हैं और हम पीछे हैं। यानी किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम विजन वाली आँख से देखें तो फिर हमें बहुत कुछ नज़र आएगा। अगर हम सिर्फ ये सामने वाली आँख से देखें तो फिर हमें ये सामने सामने जो चीज़ है वही नज़र आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस नज़र से देखते हैं चीज़ों को। अगर आप ज़ाहरी नज़रों से चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप बहुत थोड़ा देखते हैं या बहुत कम देखते हैं, या आप अपने लिए बेनिफिट नहीं उठा रहे, देखने से बेनिफिट नहीं उठा रहे, जब तक कि आप चीज़ों को विजन ना करें। हम रियल एस्टेट के हवाले से ये समझते हैं कि अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप विजन कर सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी आपकी ग्रो करेगी, या वो जो पैसा है वो आपको क्या किस मुकाम पे पहुंचेगा या कितना आपका ग्रो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपका पैसा किस तरह ग्रो करेगा। देखिए हम बहुत सारी वीडियोस आपको देते हैं और कोशिश उसमें यही होती है कि पाकिस्तान में ना 1 करोड़ लोग हैं जिनका घर ही नहीं है, बेचारों का अपना घर नहीं है, वो किराए पर रहते हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई 1 लाख घर शॉर्ट नहीं है, 1 करोड़ घर शॉर्ट है। इसका मतलब है कि इस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं हुआ कि वो लोग किस तरह से अपना घर के मालिक बन सकते हैं, यानी इस शोबे में बहुत काम होने वाला है इससे, क्योंकि जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ उन लोगों के पीछे होते हैं जिनके पास पैसे हैं कि आप आएँ, पैसा लगाएं और आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें और आप उसके मालिक बन जाएं और आप इतना आपको प्रॉफिट होगा और इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हम ये करते हैं बिल्कुल, लेकिन अब हम ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि हमें उन 1 करोड़ लोगों के लिए भी सोचना है कि जिनको घर नहीं बन रहा। देखिए अगर किसी ने घर बना लिया है तो उसके अंदर और जिसका घर नहीं है कोई सलाहियतों का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चंद बुनियादी स्किल्स थी जिसका उन्होंने मुजाहरा किया या चंद बुनियादी चीज़ों का विजन उन्होंने कर लिया तो उन्हें फ़ायदा हुआ और आज वो अपने घर के मालिक हैं और 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। आपके पास अगर घर नहीं है तो अब आपको ये चीज़ें सोचनी है कि वो कौन सी स्किल हैं, वो क्या विजन करनाएंगे तो हमारा भी घर बन जाएगा। तो आप इन चीज़ों को देखने के लिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने कोई रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, आपके वेल विशर हैं और या आप उनके खैरख्वाह हैं, तो आप उनको हमारे चैनल का ज़रूर बताएं ताकि उनकी जो जहन के अंदर कुछ क्लैरिटी है वो आ जाए और जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। एक चाइना की कहावत है कि अगर आप लोगों को मछली पकड़ के खिलाते रहेंगे ना तो आपको फिर रोज़ ही खिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनको ये तरीका सिखा देंगे कि मछली पकड़नी किस तरह से है तो वो खुद जाके रोज़ मछली पकड़ लेंगे, या अगर आप किसी को पानी पिलाएंगे तो आप उस हर वक्त पानी पिलाना पड़ेगा उनको, और अगर आप उनको ये बता देंगे ना कि भाई कूलर कहाँ है, डिस्पेंसर कहाँ है, पानी कहाँ ज़खीरा है, वहाँ से आप जितना चाहे पानी ले सकते हैं, तो वो हर वक्त जाके खुद पानी पी लेंगे। हम अपने चैनल पर कोशिश ये करते हैं कि आपको बेसिकली वो चीज़ बताएँ कि जिससे आप खुद अपने घर के मालिक बन जाएँ। देखिए इस दुनिया में या पाकिस्तान में भी इवन वसाइल की कोई कमी नहीं है और ना ही आपके पास वसाइल की कमी है। ये जो बेवसाइल होने का जो एक
एक इन्वायरमेंट आपने ऊपर अपने ऊपर क्रिएट किया है ना, ये आपने खुद क्रिएट किया हुआ है। आपकी कंपनी ऐसी है कि जिसमें आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी घर बहुत महंगे हो रहे हैं, ज़मीन प्लॉट बहुत महंगे हो रहे हैं, तो हमसे पहले नहीं बना तो आप कैसे बनेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़मीन की कीमतें और या घर की कीमतें या अपार्टमेंट की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप तहिया करें कि आपने अपने लिए घर बनाना है और उसको किस तरह से बनाना है। हमने वैसे मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर ये सारे प्रोसेस आपको समझाए हैं कि कितने 5,000 के नोट होंगे तो करोड़ रुपये का अगर घर बनता है तो आपका घर किस तरह से बन जाएगा। आप हमारी वीडियो सारों को जाके देखिए और रिपीट करके देखिए ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए। इस वीडियो में हमारा मकसद आपको ये बताना था कि विजन क्या चीज़ है। तो विजन की जो आंख है उससे आप चीज़ों को देखें। आप ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें आज आपके पास सलाहियत भी है, वक्त भी है, आपके पास सेहत भी है, आपके पास एनर्जीज भी हैं, आपके पास एक खास हल्का अभाव भी है, सब कुछ है, तो आज अपॉर्चुनिटी है ना, ना कि आप इसको अपने बच्चों पे डाल दें कि वो कल को बड़े होंगे तो वो घर बनाएंगे। तो लिहाजा आज आप इसकी तरफ शुरू करना शुरू करें। देखिए आप जब अपने ताई यकीन करेंगे ना कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। दुनिया में कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप ये आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कहीं से फैसला नहीं होना, यहाँ से फैसला होना है, आपके दिल से फैसला होना कि आपने क्या अचीव करना है ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी क्या होगी। और अगर आपने ये सोचा नहीं है और आपको ये वीडियो मिली है और आपको पहली दफ़ा चीज़ों का पता लगा है, तो मेरे ख्याल से कि आप सही जगह आए हैं और आप इस जस्तजू में थे कि आपको चीज़ों का पता लगना चाहिए कि भाई आप कैसे विजन करेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए ये पूरी कायनात जो है वो आपके लिए ये सामने लाने की कोशिश शुरू कर देगी। तो लिहाजा आप कहते हैं कि आप छोटा शुरू कीजिए, आगाज़ छोटा कीजिए, लेकिन विजन और सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। और छोटे छोटे कदमों से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास सरमाया भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपके सामने तदाबीर सामने वाजे होना शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से आप अपने घर ले सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं। आप विजन की आंख जो है, मतलब जो विजन वाली सोच है या विजन वाली नज़र जो है वो आपकी होनी चाहिए। आपको कबलस वक्त चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको आने वाले टाइम को पहले देखना आना चाहिए, तो फिर आपको उसका फ़ायदा होगा। और अगर आप आम पाकिस्तानियों या दुनिया की जो 7.5 अरब में से 90% लोग हैं ना, वो विजन नहीं रखते, तो इसलिए आप स्टैट्स सुनेंगे तो आपको हैरान होंगे कि कितने लोग जो है वो किराए पर रह रहे हैं, कितने लोगों के पास छत ही नहीं है, किराए की भी छत नहीं है, कितने लोग जो है वो फुटपाथों पर सोते हैं दुनिया भर में, कितने लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं है। तो ये इसलिए है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनके लिए ये अहतमाम किया, उन्होंने ख़ुद अपने लिए अहतमाम किया हुआ है ये वाला। और अगर आप हुकूमतों की ऊपर ब्लेम गेम डालेंगे तो वो नुकसान होगा। ज़िम्मेदार हुकूमतें भी हैं, हर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो हर शहरी को घर दे। जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, जो पिछली हुकूमत के इमरान खान साहब थे, उन्होंने लोगों को बैंकों के थ्रू सस्ते कर्ज़ों के ऊपर जो है ना, वो सूद के ऊपर जो है उन्होंने घर देना शुरू किए थे। 55-60 अरब के उन्होंने कर्ज़े दे भी दिए थे और चंद हज़ार लोगों को वो घर मिल भी चुके हैं। लेकिन वो चीज़ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि उसको कंटिन्यू करें, लेकिन जब तक वो नहीं करते आप अपने लिए तो अहतमाम करें, कोई डाउन पेमेंट, कोई कुछ सरमाया जमा करना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें भी 10% उस कर्ज़े में भी 10% आपने शो करना था, फिर आपको 90% कर्ज़ा मिलना था। तो लिहाजा वो तैयारी आप अपनी जारी रखें, अपनी आमदनी को बढ़ाएँ, अपने अखराजात को कम करें, अच्छी एक साफ सुथरी ज़िंदगी जिएं, खाम खा के बाजारी खाने ना खाएं, इससे बचें, अपना पैसा भी बचें, अपनी सेहत भी बचाएं, और इस चीज़ को विजन करें कि अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो वो सारा कंट्रोल आपके पास है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सारा कंट्रोल आपके पास है। तो ये विजन करना आप सीखें ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।